Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. She messed with the temperature. I wrote the song, but I am the messenger. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और सी नई वीडियो में। सो गाइज, बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हूँ मैं गुजरात के डायमंड सिटी कही जाने वाली सूरत सिटी में, जो कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध एक गार्डन है जिसका नाम है डिंडोली फ्लावर गार्डन। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है। सो गाइस, अभी फूड कोर्ट से फूड खा के अब निकल चुके हैं, चाइनीज वाइनीस खा के, और पेट एकदम भर गया है। और यारो भाई की यहाँ पे गाड़ी है बहुत सारी, तो किसी को घूमना हो तो भी आ सकता है। यारो भाई की गाड़ी है, वो भी पसंद आए वो ले लेना। और यारो भाई की एक और है, ट्रेन भी है यहाँ पर। बोल दो, दिखा दो ट्रेन। वो रहा ट्रेन, तो कहाँ गया? वो रहा, तो जिसको अगर ट्रेन में भी घूमना हो तो भी आ सकता है। और आपको यहाँ पर गाना वाना सुनने के लिए तो मिलेगा ही। अच्छा अच्छा यारो भाई, क्या ट्रेन आ गया यार हमारे को बुला। तो भाई कहाँ ले जा रहे हो? और बोल भैया। सो गाइस, यारो भाई हमें भूलभुलैया में लेके आ चुके हैं और जा रहे हैं भूलभुलैया में। इधर इधर उधर तो यारो भाई, यार बोला था सूरत में चल तेरे को लेके चलता हूँ भूलभुलैया में। हमने सोचा भूलभुलैया में जाएगा। ये देखो, ये भूलभुलैया है और काफ़ी अच्छा गार्डन है। घूम रहे अभी कहाँ जा रहे हैं? इधर साल सो गाइस, जैसे कि आपको बताया था कि हम आए हैं गार्डन में, तो यारो भाई ये गार्डन में लेके आया है। और यहाँ पर 12 प्रजाति के फूल हैं मतलब, और इधर इसे विदेशों से भी लाया गया है और हमारे कैमरा में गिफ्ट है। तो काफ़ी अच्छा सीन भी आ रहा है और शाम का समय है। और यारो भाई का फ़ोन भी आ चुका है, मैसेज आया है। अच्छा, मैसेज आ गया है। मैसेज आता है कि लगता है यार बच्चा रो रहा है। अब पता चला कि साला बस में बैठे हैं और कोई सुन लिया कि भाई बच्चा रो रहा है, ये लोग बच्चा चो रहे हैं, बच्चा बचो समझ के हमको ले जाएंगे। तो भाई ये भी कंडीशन है, इसके लिए आओ तो भाई सत्ता कराओ, वरना यारो भाई का भरोसा नहीं है। कहाँ ले जाए ये, कहाँ जाना है? आओ ए भाई, इधर से पैक है पे जा रहे भाई साहब, इधर से रास्ता भी बना दिया। अभी इधर इधर जाना है, निकल गए। सो गाइस, फाइनली भूलभुलैया से निकल गए हैं।
रास्ता किधर है? नीचे चल। निकल गए हो तो निकलो इधर से। आया तो यहां का है, यहां का है। बस नीचे भी लिया। नीचे में बहुत ज्यादा आ जाए। हां नीचे इनको। बटू वापस इधर भी बहन। भाई जाए तो जाए कहां? भाई ठग गया यार। इधर जाना है इधर। अबे इधर ही से आ, इधर जाने का। निकलने का कई रास्ते हैं, बस पेड़ को तोड़ने पड़ेंगे। पेड़ नहीं तोड़ना भाई, इधर से बंद है। इधर से कहाँ से निकल रहा है? अरे दूसरे वाले पे। ये भाई सीटिंग है भाई। ये ना चोर पे। So guys, इस गार्डन को सूरत महानगर पालिका द्वारा बनाया गया था और इस गार्डन के अंदर 1,60,000 से भी ज्यादा फूल है। इस गार्डन में 12 से भी ज्यादा प्रजाति के फूल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सूरत आ रहे हो तो मैं ये लोकेशन आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस गार्डन में आओ और घूमो और अपने फैमिली या अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। इस गार्डन का नाम है ढिंडोरी फ्लावर गार्डन और यहाँ पर काफ़ी बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल है और आपको घूमने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह है। आपको ट्रेन राइड मिल जाएगी, आपको बच्चों को खेलने के लिए आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारी इधर पे एडवेंचर मतलब है ठंडा के खेलने के लिए और अपनी फैमिली या अपने जो भी पार्टनर है उनके साथ आप टाइम भी अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। सो गाइज, इस गार्डन को अच्छे से घूम चुके हैं और अब जा रहे हैं बाहर की ओर। देखते हैं कहीं कुछ घूमते हैं या तो कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस, उस गार्डन के सीधे सामने आपको एक और गार्डन देखने को मिल जाएगा और ये बिल्कुल ही फ्री है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे भी आओ। जैसे ही आप उस गार्डन के सामने आओगे तो आपको एक और गार्डन देखने को मिलेगा और वहाँ पे फीस थी 23 रुपीज़ समथिंग ले रहे थे पर पर्सन। बट जस्ट उसके सामने एक और आपको पार्क देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही फ्री है और भी बहुत सारी राइड है और आपको घूमने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा और क्या है उससे कुछ कई ज़्यादा गुना में फैला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सिटीजन को मैंने देखा के आकर जॉगिंग कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और यहाँ पे एक लेक भी है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। अभी तो फिलहाल बोटिंग बंद है लेकिन यहाँ पर आप आके बोटिंग भी कर सकते हो और इस गार्डन का भी मुझे नहीं पता था, तो थैंक्स बोलना चाहूँगा यारों भाई को कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर देखने घूमने को मिला। और आज मेरा तबीयत में क्या बोलूँ कि भाई बहुत ख़राब तबीयत था मेरे को, मतलब 2 दिन से मैं कहीं जा नहीं रहा था, मैं जॉब नहीं जा पा रहा था, मैं मेरे स्टडी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन यारों भाई के लिए यार बोलते हैं ना कि हर बीमारी का दवा ही नहीं होता है, तो घूमो फिरो इधर आगे उधर जाओ तो आपका मन साफ होगा, मतलब मन ठीक होगा। तो वही जैसे कि मैं घर पे था, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन यारों भाई ने ज़बरदस्ती मेरी मम्मी को बोलकर मुझे यहाँ पर ले आया और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा तबीयत में भी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, नहीं अभी सही है। तो थैंक्स बोलना चाहूँगा यारों भाई को। यारों भाई जरा यार, जो चीज़ दवा नहीं कर सकी वो घूम कर मतलब कि थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो ठीक हुआ। तो यार भाई कुछ बोलना चाहोगे यार? बोलो तो भाई, पास में आ जाओ, थोड़ा ज़ोर से बोलो कि ऑडियंस को सही से सुनाई दे। ऐसा हो तो आप हमारी जगह पे बैठ जाओ। हाँ अब बोलो आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे मेरे दोस्त ने बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं घूमने के लिए जब भी आता हूँ किसी को तो किसी को लेके ही आता हूँ। क्या मेरे को अकेला आने से अच्छा मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जैसे दुनिया मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वाले मेरे दोस्त यार सब देखें, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप भी आओ, आप भी घूमो। मेरा तो क्या है, शायद मैं हर शनिवार भी हो सकता है, मगर 15 दिन में या महीने में 2 बार यहाँ आना मेरा तय है सूरत में। तो यहाँ ये गार्डन भी आता हूँ क्योंकि गार्डन से भी कुछ यादें हैं बचपन से, मतलब बचपन नहीं कुछ देरों से,
वो था, मैं यहाँ घूमता फिरता था, आया था किसी के साथ में, मस्त लगा, अच्छा लगा। और अभी पहले से ज़्यादा अभी यहाँ खेलने कूदने की चीज़ बन गई, बच्चे यहाँ घूम रहे हैं अरे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ो, जीएफ के साथ आओ, मतलब कि फैमिली के साथ आओ, मम्मी पापा को लेके आओ, पूरी फैमिली को, दोस्त यार को, सबको लेके आओ यहाँ मस्त घूमने के लिए। ये घूमने के लिए अभी सबसे मस्त जगह है, खाओ पियो और यहाँ पर जॉगिंग करने, एक्सरसाइज करने आओ, अपने आप पर लोग फिट रखो। मेरा भी शरीर यहाँ बढ़ चुका है, यहाँ फैट फैट दिखाई दे रहा है, तो इससे भी काम करता है और इसका बहुत हेल्प करेंगे हमारे यारों भाई, रोज सुबह दौड़ाने के लिए आएंगे अंकलेश्वर से सूरत। तो बाय बाय, वो भी बाय कर। तो गाइस ये था कुछ वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे यारों भाई के भी इंस्टाग्राम पे आईडी को जाकर फॉलो करो, भाई के भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो रहे हैं तो भाई को सपोर्ट करो, और आपके भाई को भी सपोर्ट करो। लिंक यहाँ मतलब कि आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जाओ और दोनों भाई को सपोर्ट करो और इस यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने आइए।